खबर होशियारपुर जलंधर मार्ग से स्थित पिंड तारागढ़ तो है, जिथों के रहने वाले एक परिवार ने किसी लड़ाई झगड़े के मामले च पुलिस चौकी नसराला के अधिकारियों से कार्रवाई न करन अते राजीनामे लई दबाव पाउण दे दोष लाए ने। इस संबंधी जानकारी दिंदे हां पिंड तारागढ़ के रहने वाले कृष्णा सिंह ने अपने परिवारक मैंबरां समेत दस्सिया कि उन्हां दा अपने पिंड दे ही कुछ लोगों नाल लड़ाई झगड़े का केस चल रहा है। बीती 16 मार्च में भी उन्हां उपर उक्त व्यक्तियों वालों हमला करके उन्हां नूं जख्मी कर दिता गया सी, जिसदे कि उन्हां वालों पुलिस चौकी नसराला विखे शिकायत भी दित्ती हुई है। उन्हां दस्सिया कि घटना के कई दिन बीत जाण के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो उल्टा उन्हां ते राजीनामे लई दबाव पाया जा रहा है। कृष्णा सिंह ने दस्सिया कि अपनी उक्त समस्या नूं लैके उह कई बार सीनियर अधिकारियों नाल भी मिल चुके ने, परंतु उन्हां दी समस्या दा हल किधरे भी नहीं होया। इस संबंधी जदों पुलिस चौकी नसराला दे इंचार्ज कुलवंत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया कि पुलिस वल्लों बिना किसी दबाव तो मामले की गंभीरता नाल जांच की जा रही है, तो पुलिस वल्लों दोहां धिरां ते क्रास परचा दर्ज किया गया है। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप अते नवनीत सिंह चीमा की रिपोर्ट। कृष्णा सिंह केड़ा पिंड है जी? तारागढ़ जी। की मामला होया? मामला जी 16 मार्च में मैं दुकान नूं जांदा पिया सी घरों, जदों मैं थोड़ा दूर गया तो मैनू मुंडे ने घेर लिया, उन्हां दे मुंडे ने। उस तों बाद मैं आवाज़ दित्ती मैं अपने मुंडे नूं, मुंडा मेरा आया एक, उस तों बाद उदों मम्मी आई तो उन्होंने है ना हाथों बह के उन्होंने एक उन्हां दा मुंडे ने कृपान लेके आ गया, तो उन्हां दा जिहड़ा मुंडे दा डैडी सी उह बहूला कहिंदे आ उह लेके आ गया। उस तों बाद उन्हां दीआं कुड़ियां आईआं तो उहदी मम्मी आई कुड़ियां दी, मेरी घरवाली दे मतलब हाथों पैर ढा के कुटन लग पए, मेरे भी मारे, तो वह कृपान ले के मतलब मेरे मुंडे दे चलाउण लगा, मेरे मुंडे ने खोया तो गुट्ठे जे उहदे लगे जी, उस तों बाद गुट्ठे जे ते गुट च भी लगे, उस तों बाद कह रौला रप्पा पै के बंदे इकट्ठे होए, उस तों बाद चल गए अपने अपने हथियार लेके। वह असी कृपान खो के जी चौंकी जमा कराती सी, तो उस तों बाद असी हस्पताल चल गए श्याम चौरासी चल गए। उत्थों जानू सानू जी देख के उस तों बाद सानू हुशियारपुर भेज दिता, हुशियारपुर सिविल हॉस्पिटल। उस तों बाद उत्थों मुंडे नूं दाखिल कर लिया उन्होंने, सानू मतलब मैनू तो इहदी मम्मी ने छुट्टी दे दित्ती। उस तों बाद असी जी पुलिस चौकी नूं पुलिस वाले गए, बयान बयान ले, बाद जी उन्होंने आज तक जी साडे कोई सुनवाई नहीं। महीने बाद सानू मतलब दो दिन सद्या जी बुलाया, ये 16 मार्च दी जी, 16 हाँ जी हाँ जी। इसी साल साढ़े गुआंढी है जी, एक मुंडा खलवाणा पिंड तो आया सी। वजह जी देखो शुरुआत ही मतलब हुई सी साड़ी, मतलब गली बदले नाली बदले हुई सी माड़ी मोटी गलबात, उदो मतलब मुंडे माडे सद के साडे घर च हमला कराया सी, साडे मतलब टक टुक भी मारे सीगे, सिर सुर च चंगे सट्टां लगियां सी, ते कुड़ी मेरे दे भी सिर चंगा पाड़िया सी। ओ तां केस तुहाडा कोर्ट च चलदा? हाँ जी, वह कोर्ट च चलदा है जी। ते हुण जिहड़ा मामला होया वा पुलिस की कह रही है उहदे विच? पुलिस देखो जी पहले तो चुप चाप सी, आ पिछले हफ्ते तो दो दिन बुलाया असी गए, तो सानू कहिंदा जी मतलब वह आंदे आ ते तुसीं बैठो, सानू बिठा लिया कहिंदे तुहाडे जी 751 कर देने आ। कौन कहिंदा? इंचार्ज साहब कलविंदर सिंह, कलवंत सिंह नसराला चौंकी। हाँ जी, सीनियर अधिकारी ने जी असी बाद SSP साहब नू दरखास्त दित्ती सी कि साडी सुनवाई नहीं हो रही, साडी मतलब है ना CCTV फुटेज वह चेक किया जाए, इन्होंने गए नहीं जी। उस तो बाद डीएसपी साहब स्पेशल ब्रांच गए इनकुआरी से, उन्होंने CCTV नहीं देखी, तो उस तो बाद सानू मतलब उत्थे बुला के गली से कुछ काछ करके चल गए। वह दबाव उन्होंने भी कहा जी तीन बंदे इन्हों पा के 751 कर दे, हालांकि उन्होंने 6 बंदे आ। हाँ जी आई हुई है जी, सारे आई हुई है। हाँ जी है जी। हाँ दी चौकी वाले नहीं जी, DSP स्पेशल ब्रांच नू दी वा, उन्होंने मांग की साढ़े तो। ਭਾਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 751 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੋਹਤਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਸੂਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ 24-3 ਨੂੰ 24-3-21 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, 323-324 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਪਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।